सो ये रॉयल इनफील्ड हंटर 350 जो मेरे पास मॉडल नहीं है, आपको मेट्रो एडिशन मिलता है। इसका एक और ब्रांड आता है जो है रेट्रो, वो अभी मेरे पास नहीं है। अभी इसका जो टॉप मॉडल आता है वो है मेट्रो मॉडल आता है। इसमें बहुत सारे एसेसरीज लगे हुए हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले एसेसरीज आपको ये विंडशील्ड, ये कंपनी फिटेड नहीं आता, ये आपको बाहर से लगाना पड़ता है। और इससे बात पर रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका जो हेडलाइट्स जो है इसका मिलता है आपको हेलोजिन में। बहुत जो व्हीकल्स आते हैं मेट्रो एंड मेट्रो दोनों में आपको जो हेडलाइट्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे हेलोजिन के। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको बल्ब, और ये रहा इसका ग्लॉसी मडगार्ड। और टायर जो आपको मिलता है 17 इंचेस का मिलता है विथ रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ। इसके रिम आते हैं। और टायर साइज का बात करें तो इसमें आपको जो टायर साइज मिलता है आपको 110/70 R17 इंचेस का टायर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट में डिस्प्ले आप देख सकते हैं इसका जो रॉयल एनफील्ड, और ये रेड स्टिचिंग किया हुआ है इसके कॉलर व्हील्स पर, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, आपको गार्ड मिलता है, सस्पेंशन गार्ड, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं आपको। और ये है तो ब्लैक कलर के जो सस्पेंशन दिए गए हैं, अच्छे लग रहे काफ़ी। और ये रहा इसका मीटर, तो इसे पहले ऑन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है, बीच में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको MID स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स कंट्रोल, लो बीम, पास कंट्रोल मिल जाता है, हाई इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न साइड पर, और इस साइड में आपको किल स्विच एंड इंजन स्टार्ट मिलता है। यहाँ पे हेजेड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मीटर का बात करें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सब उसका देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा है, टाइम दिखा रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा रहा है, ट्रिप एफ एंड यहाँ पे रेंज दिखा रही है, तो इसे चेंज करते हैं। ओडोमीटर दिखा रहा है अभी ट्रिप ए, ट्रिप बी और या ट्रिप एफ, दैट्स इट, इतने ही मिलते हैं। और बस कंटिन्यू आता है। ये रहा इसका की, आप देख सकते हैं कैसा है, नॉर्मल की है जो रॉयल एनफील्ड का आता है। आपको जो टैंक मिलता है, टैंक का साइज है 13 लीटर्स का टैंक मिलता है आपको। यहाँ पे इनफील्ड का बैजिंग, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का फुल बैजिंग है। ये रहा इसका इंजन, इंजन का बात करें आपको 349 cc का इंजन मिलता है, जिसका जो पावर है आपको मिलेगा वो है 20.4 PS का पावर मिलता है। जो टॉर्क आपको 27 Nm का टॉर्क मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो मिलता है इसका 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक है। ये रेस में आपको इंजन गार्ड के साथ आता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हार्ड है। और ये रहा इसका प्लेटिंग मडगार्ड, प्लेटिंग या फिर आप इसे कहेंगे इंजन प्रोटेक्शन गार्ड बोल सकते हैं आप लोग। ये आपको एक्सेसरीज से मिलता है, आपको कंपनी से नहीं लग के आएगा, आपको लगाना पड़ेगा एक्सेसरीज से। अभी आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग किया हुआ है इसमें। यहाँ पे हॉर्न दिया गया है और देख सकते हैं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर का बैजिंग किया हुआ है रेड कलर के सराउंड के साथ। पियानो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। और जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, पर इसे लाइक एसेसरी से ये चेंज किया हुआ है। रॉयल एनफील्ड सिग्नेचर का बैजिंग है ये। इसका जो नॉर्मल सीट आते हैं आपको बकेट सीट्स मिलते हैं, आपको ये एसेसरीज के तौर पर चेंज किया गया है इस सीट पर। और ये भी आपको एसेसरीज है, ये आपको नहीं लगेगा इसमें, कंपनी को से फिटिंग नहीं होता है, ये बाहर से लगाया गया है ये एसेसरीज के तौर पर। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ये ड्राइव हंडर मिल जाता है, पीछे का टेल देख लीजिए, आपको ये LED मिलता है। ये डिफरेंस है आपको जो रेट्रो है उसमें जो पीछे का लाइट आपको हेलोजन मिलता है, और जो मेट्रो उसमें आपको LED मिलता है। और जो रेट्रो का जो टर्निंग इंडिकेटर आपको बॉक्सिस शेप में मिलेगा, पर इसमें आपको सर्कुलर शेप में मिलता है। यहाँ पे सस्पेंशन देख लीजिए आपको, बहुत साइड नॉर्मल सस्पेंशन है। और ये पीछे का टायर आपको 140/70 R17 इंचेस का टायर मिलता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल टायर है ये, खास कर इसमें जो रॉयल एनफील्ड का एज बैजिंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। पीछे का साइलेंसर देख लीजिए, काफ़ी छोटा साइलेंसर है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि छोटी बाइक है और छोटा साइलेंसर काफ़ी सूट करता है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको रबर पैकिंग किया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा ग्रिपिंग, और ये आपको स्ट्रेचेबल मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये थोड़ा रगेड टाइप का दिया गया है, ताकि ग्रिप अच्छा बैठे ब्रेकिंग पर। यहाँ पे आपको गियर बॉक्स मिलता है, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, इंजन गार्ड भी मिलता है यहाँ पे। और इस साइड पे मैं चीज़ दिखाना भूल गया आपको, सारी गाड़ी मिल जाता है जो आप लोग कहते हैं। और इसका चलिए एग्जॉस्ट नॉइज़ सुन लेते हैं कैसा मिलता है। ठीक ठाक आवाज़ था, काफ़ी अच्छा ही साउंड था मैं इसे कहूँगा। और ये इसका टेल लाइट, और इसका हेजर ऑन करते हैं।
सो बेसिकली ये काफ़ी ब्यूटीफुल बाइक मुझे लगता है, खासकर यहाँ पर आपको बुलेट चाहिए एक मॉडर्न लुक में तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लुक है काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी क्यूट बाइक है ये। सो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बाइक अच्छी लग रही है। इसमें आपका जो मिरर मिलता है आपको सर्कल से मिलता है, काफ़ी रेट्रो एंड लाइक ये मॉडर्न एंड रेट्रो दोनों का कॉम्बिनेशन बाइक है, तो ये देखने में उसमें काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सो इसका जो प्राइस स्टार्टिंग होता है आपको 1.49 लाख से स्टार्ट होता है और इस मॉडल का प्राइस है 1.69 लाख रुपीज़। सो या यू कैन चेक आउट इफ यू लाइक इट। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।